इंदौर जिले के बेटमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बेटमा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि सागर कुटी चौराहे क्षेत्र में दो व्यक्ति गणपत पिता मुन्ना भील निवासी रलायता 25 वर्ष थाना कामवन जिला धार व धर्मेंद्र पिता दारासिंह धाकड़ उम्र 35 वर्ष निवासी औरंगपुरा थाना बेटमा जिला इंदौर बस में सवार होकर पीतमपुर यह बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने धर दबोचा। इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 3 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। वहीं इन दो लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में डाल दिया गया है। गांजे का मूल्य 17,000 रुपए बताया जा रहा है। दोनों यह माल बेचने के लिए पीतमपुर जा रहे थे, उसी समय पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। यह गांजा ये लोग स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बेचा करते थे। बेटमा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। डॉक्टर बी एस सिकरवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लोग मादक पदार्थ लिए हुए फोन लाइन के बाईपास पर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। सूचना पर उन्होंने एक टीम बनाकर सूचना के मुताबिक प्रवेश दी थी, जहां पर उन्हें एक गणपत रलायता का और धर्मेंद्र धाकर औरंगपुरा का मिले थे। गणपत के पास 2 किलो 100 ग्राम गांजा था और धर्मेंद्र के पास 1 किलो 300 ग्राम गांजा था। और मौके पर ही उन्होंने जो है विधिवत मादक पदार्थ की जब्ती की कार्रवाई हुई थी और बाकी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया। ये दोनों रहने वाले कहाँ के सर? गणपत जो है रलायता है, कानमन क्षेत्र में वहाँ का रहने वाला है, और धर्मेंद्र धाकड़ जो है औरंगपुरा कल दिनांक 22/7/19 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर सागर कुटी रोड बाईपास पर खड़े हैं, जो पीतमपुर जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहां पीतमपुर किसी को गांजा सप्लाई करेंगे। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करके मैं बल के वहां पर जाकर दोनों को पकड़ा। पकड़ने के बाद एक के पास 2 किलो 10 ग्राम, जिसका नाम गणपत पिता मुन्ना भील है, जो रलायता ग्राम रलायता का रहने वाला है, जो थाना कानवन के अंतर्गत जिला धार में आता है, और दूसरे का नाम धर्मेंद्र पिता दारा सिंह, यह औरंगपुरा का रहने वाला है। इसके पास 1 किलो 300 ग्राम गांजा मिला है। दोनों के खिलाफ NDPS 8/20 के तहत कार्रवाई की गई है। गांजे के स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।